Hello people, so welcome to my channel. Today I'm going to share my travel journey with you. जब मैं McLeodganj गई थी तो this is the flight that I took. ये थी दिल्ली से flight. So दिल्ली से बहुत छोटी सी flight जाती है and then you reach the airport. Airport बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही beautiful है. आप देख सकते हो ये अंदर से मैंने कैमरे से लिया है view. यहाँ पे ना बाहर से कैमरा मतलब बाहर से जब आप कैमरे में व्यूज़ कैप्चर कर रहे हो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, पर जब आप अंदर आ जाते हो तो फिर आप बाहर नहीं निकल सकते, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा. एंड आई वाज टू टायर्ड, आई रीच देयर ड्यूरिंग लंच टाइम और उसके बाद मैं सीधे थोड़ा सा एक छोटा सा नैप लेके निकल गई कुछ खाने के लिए. एंड आई केम टू जिमीज रेस्टोरेंट. तो ये ना बहुत ही वहाँ पे जिमीज़ के एक्चुअली बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, पर ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ेदार लगा मुझे. ये मित्रा हॉस्टल के जस्ट पास में था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, कुछ मीटर्स ही इट वाज अवे. तो यहाँ पे मैंने खाई सुशी. इसमें आप देख सकते हो तीन तरह की सुशी है एंड आई रियली लाइक द फर्स्ट वन. बीच में जो हरे रंग की दिख रही है वो स्पिनच वाली थी. नाउ आई एम एट जिमीज एशिया किचन. ये वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और यहाँ पे मैंने सुशी ऑर्डर किया बिकॉज आई एम नॉट टू हंग्री. आई जस्ट हैड पिज्ज़ा एंड ऑल. उसके बाद मैंने दो घंटे का अच्छा वॉक किया एंड सुशी थोड़ी लाइट होती है तो इस वजह से मैं सुशी खा रही हूँ एंड इट इज़ सुपर टेस्टी. आई हैड वन बाइट एंड इट वाज़ यम्मी, सो हाईली रिकमेंडेड. सो दिस इज़ द मेन्यू यू कैन सी. इसमें मैंने ये जापनी सुशी ली थी. अंदर से इसके इंटीरियर्स बहुत ही सुंदर थे. बहुत ही कोजी सा रेस्टोरेंट है एंड इनके पास अपना एक क्यूट सा डॉगी भी है, तो बहुत ही मतलब मज़ेदार व्यू लगा मुझे. अंदर से इंटीरियर्स बहुत अच्छे लगे, खाना बहुत अच्छा था. सो एवरीथिंग वाज रियली नाइस ओवर हियर इन जिमीज़. और जिमीज़ में खाने के बाद फिर मैं चली गई थी अपने हॉस्टल एंड दिस इज़ जस्ट द इंटीरियर्स दैट आई एम शोइंग इट टू यू. वहाँ पे सामने आप देख सकते हो यहाँ पे बिलिंग वगैरह होती है, ये सब यहीं पे होता है. सो आई गॉट दैट बिलिंग डन फ्रॉम देयर. और बाहर ये बिल्कुल ही ऐसे बिजी रोड पर है. सो दिस इज़ द जिमीज इटालियन किचन फ्रॉम आउटसाइड. गला सूख गया खा खा के. यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नोटिस की, लोग ना पानी वगैरह सर्व नहीं करता है. वेंट टू डिबर किचन, वहाँ पे भी नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं. आई डिड नॉट इवन कैरी कोल्ड ड्रिंक के नाम पे, दीवा सिर्फ स्प्राइट है, वो मैं पीती नहीं हूँ. तो ये जो पिज़्ज़ा है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा है. आई डोंट नो हाउ विल आई फिनिश बट आई विल ट्राई टू फिनिश सारा, देखते हैं कहाँ पाती हूँ कि नहीं. लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, जीवन का मज़ा यही है. सामने पापा विस्की कैफे लॉज बार कुछ तो भी है. आई विल शो इट टू यू, टर्न द कैमरा एंड शो. हाउएवर यहाँ पे बैठ के एक अलग ही मज़ा है, इट्स गुड. This is the look that I was talking about. ये है विस्की बार एंड कैफ़े एंड यहाँ पे मैंने ये वाला पिज़्ज़ा खाया था, शेफ स्पेशल. स्पाइसी लिखा है पर स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं था. नेक्स्ट डे आई वेंट टू बाक्सू. और बाक्सू में ये फेमस है बाक्सू टेम्पल के लिए और बहुत अच्छी अच्छी प्लेस की शॉपिंग भी होती है एंड यहीं से ट्रैकिंग भी शुरू होती है बाक्सू रिवर के पास से. ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा, यू नो इट्स अ नाइस पॉन्ड सॉर्ट ऑफ थिंग. इसको हम कुंड कहते हैं, एक्चुअली नॉट पॉन्ड बट कुंड. सो यार दिस इज हाउ इट लुक्स. ये सामने मंदिर है इसके, यहाँ पे शिव जी का मंदिर और सारे भगवान के मंदिर अंदर ही, मतलब भगवान की स्थापना हुई हुई थी यहाँ से जो आपके सामने दिख रहा है, ये मंदिर की ओर जाता है रास्ता. एंड वे टू वाटरफॉल. तो यहाँ से जो आप लेफ्ट में रास्ता देख रहे हो वो वाटरफॉल की तरफ जाता है, काफ़ी चलना पड़ता है. आई डिडंट गो, मैं वहाँ पे शाम को गई थी तो बहुत लेट हो जाता लौटते समय. एंड दिस इज़ द प्लेस फॉर शॉपिंग. यहाँ से मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी की थी, मतलब इयर रिंग्स और नोट पैड लिया था, पर्स लिया था. सो ऑल दीज थिंग्स आई बॉट फ्रॉम बाक्सू एंड दिस इज़ अ स्मॉल मार्केट. आई वाज जस्ट स्ट्रोलिंग ओवर हियर. यहाँ से वो लाफिंग बुद्धा भी लिया जो अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं. दिस इज़ या दिस इज़ द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. इनमें ना जब लाइट पड़ती है तो उनकी गर्दन हिलती है
और फिर मैंने ये ऊपर जहाँ से वो बागसू वाटरफॉल की चढ़ाई शुरू होती है ना, वहाँ पे ये सैंडीज किचन था, तो यहाँ से मैगी खाई. अभी आप पहाड़ पे आ रहे हो तो मैगी खाना तो बनता है. सो दैट्स द रीज़न आई हैड मैगी, एंजॉयड द व्यूज, इट वाज रियली ब्यूटीफुल. एंड दिस इज द नेक्स्ट डे. नीचे उतर रही है और बहुत धीरे धीरे उतर रही है, सो आई थिंक दैट इज द ओनली गुड थिंग दैट आई एम लाइकिंग अबाउट इट. आई मीन देयर आर अदर थिंग्स आल्सो गुड, बट मुझे तो डर लग रहा है ना. ओहो, यहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं इस तरफ से. अरे बाप रे, एकदम से नीचे हुई, पता है एकदम से ये नीचे हुई. आप देखो ये कैसा ढलान है एकदम. अरे यार, मेरे जीवन में इतना एडवेंचर ऐसे कैसे. So this is the area view. देख कुछ दिख रहा है, पता नहीं. ऊपर से पूरा वो दिख रहा है धर्मशाला मेरे मम्मी. आई थिंक नॉट दिस समय ना मैं ग्रुप में आना पसंद करूंगी. मेरे आगे ना दो लोग गए थे, उसने कहा आप ना वेट कर लीजिए, आप ये अकेले चल जाइए. मैं भी खुश, मैं कभी आई पी ट्रीटमेंट मिल रहा है तो. लेकिन अकेले भाई सब बहुत डर है. आई डोंट नो व्हाई आई एम सो स्कैर्ड. मुझे ना हाइट का तो डर है और यहाँ अकेले तो और भी ज्यादा लग रहा है. ओह गॉड, इसलिए मैं लगता है कैमरे से बातें ज्यादा कर रही हूँ क्योंकि मैं इधर उधर देखना नहीं चाहती हूँ. I don't know what to say. Let me show you the view. View कैसे दिखाऊं? ये देखो. बहुत धीरे धीरे चल रहा है, which is a good thing. But I don't know what to do. लोग सामने वाले बाय करते हुए जा रहे हैं. अब ये नीचे उतरेगा थोड़ा थोड़ा. मुझे लग रहा है डर. दिस इज अगेन जिमी इज अ वेरी नाइस इटालियन रेस्टोरेंट. यहाँ का मुझे वाइट सॉस पास्ता बहुत अच्छा लगा था, मैंने वो खाया था. सो बट दिस इज़ अ व्यू फ्रॉम द कैफ़े, इट्स ब्यूटिफुल. यहाँ पे अगर आप कॉर्नर की जो हाई बेंचेस होते हैं ना, उस पर जो ब्रेकफास्ट टेबल चेयर होती है, उस पर बैठ के करो तो फिर मज़ा ही आ जाए. एंड यू नो यू कैन इन्जॉय द व्यू, ईट योर फूड. सो इट वॉज़ वेरी नाइस. ये ना मुझे अभी इतनी भूख लग रही है, मैं रात के 11 बजे मैं सो गई थी और उसके बाद मैं उठ के दोबारा खाने लगी क्योंकि मैंने इसे पैक करा लिया था. प्लीज़ में ना पैथा नूडल्स में पूरे साबुत साबुत मूंगफली डाली, मतलब उसको चूड़ा करने की भी उन्होंने जहमत नहीं उठाई. टिबेट किचन का खाना ना मुझे ऐसा लगता है ओवर हाइप्ड है, क्योंकि मैंने जितनी चीज़ें खाई मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया. हो सकता है मैंने ऑथेंटिक खाया भी नहीं हो, ये भी एक चीज़ हो सकती है. मुझे क्या मालूम ना टिबेट फूड कैसा होता है. मैं टिबेट तो कभी गई नहीं खाने के लिए, यहाँ पे जो देते हैं वो अच्छा ही लगता है सबको. हो सकता है ये भी रीज़न, आई डोंट नो. बट जो चीज़ें मुझे पता है जैसे पैड थाई नूडल्स, क्योंकि मैं थाईलैंड में जाके खा के आई हूँ, तो ये बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है. एक चीज़ अच्छी है इसमें कि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, तो फाइबर तो अच्छे से मिल रहा है. बिकॉज ट्रैवल करते समय ना अगर आपको फाइबर ना मिले तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, यू नो व्हाट आई मीन. और आप जब बाहर जाते हो, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, तो आप फाइबर के नाम पे जो आप सलाद खाते हो उसे प्याज होता है, वो भी सरके वाला, तो उसकी कोई गिनती नहीं है फाइबर में. तो ये बहुत टेस्टी है उस हिसाब से, सादा सिंपल बट नॉट द ऑथेंटिक पैड थाई नूडल्स. नॉर्मल चाउमिन टाइप का जो होता है, कम तेल में बना हुआ ऐसा.
अब मैंने जिमी से खाया था वाइट सॉस पास्ता, जिमी इज इटालियन किचन, बहुत टेस्टी था। फिर खाई ब्राउनी, ओहो मज़ा आ गया, तृप्ति मिली एकदम खा के। ओह इतना हैवी था, मैंने 4 बजे खाया जिमी से, उसके बाद मुझे भूख ही नहीं लगी। मैंने शाम को कॉफ़ी पी टिबेट किचन में, उनको बुलाई पैक कर दो। उस पर मैंने उनसे पूछा था लाफिंग है क्या, उन्होंने कहा नहीं है, गलो हो गया था। तो ये खाते हैं, तो एक वन पॉट मील टाइप खाना था रात के लिए, इसलिए चलो मैं इसे फिनिश करती हूँ और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, एंड नेक्स्ट डे आई वॉन्टेड टू सी धर्मकोट। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो मैक्लोडगंज तो धर्मकोट तो आना बनता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बिल्कुल ही शांत सी जगह है, बिल्कुल इट्स अ वेरी स्मॉल विलेज एक्चुअली। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लोकल्स बहुत हैं, उन लोगों के घर और वो लोग के जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, यू नो ऑल दैट हैपनिंग। और यहाँ पे कैफ़ेज़ बहुत अच्छे हैं, दैट वाज वन रीज़न व्हाई आई वांटेड टू यू नो विजिट धर्मकोट। तो यहाँ पे मैंने कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, कैफ़े तो गई, उसके साथ साथ मैं एक पोट्री के लिए भी बहुत फेमस जगह है वहाँ पर भी गई थी। ये शॉप बंद थी, ये अली की क्रिस्टल शॉप है, ये वाली शॉप से मुझे क्रिस्टल लेने का मन था बट इट वॉज़ क्लोज्ड। एंड दिस इज़ द पॉटरी शॉप स्टोर, आई मीन जहाँ पे ये सिखाते भी हैं पॉटरी से मिट्टी के चीज़ें बनाना, तो काफ़ी अच्छा था। लेकिन उस टाइम पे कोई भी नहीं था, आई थिंक शायद मैं ऑर्डर्स गई थी या उस दिन कोई कोर्स के लिए मतलब कोई भी था नहीं, इट वॉज़ ऑफ सीज़न, आई डोंट नो। मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा गर्मियों में ज़्यादा भीड़ रहती है, बिकॉज़ व्हेन आई सी देयर इंस्टाग्राम एंड जहाँ पे भी वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ लगाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, पर यहाँ पे उस दिन अपेरेंटली कोई भी नहीं था। और ये थोड़ा सा ना अपर धर्मकोट साइड में भी है। एंड दिस इज़ माई हॉस्टल, दिस इज़ वेयर आई स्टेड, ये मित्रा हॉस्टल है, बहुत ही छोटा सा क्यूट सा हॉस्टल था। यहाँ के जो होस्ट थे वो बहुत ही अच्छे थे, आई वुड हाईली रिकमेंड दिस हॉस्टल। मैंने यहाँ पे शेयर्ड रूम नहीं लिया था, जो बंक बेड्स वगैरह होते हैं, आई वॉन्टेड लिटल प्राइवेसी फॉर माई सेल्फ, तो मैंने यहाँ पे जो यू नो एक होटल रूम की तरह नहीं होता, वहीं आप सेपरेट रूम ले लेते हो, देर इज़ नो बंक बेड सॉर्ट ऑफ अ थिंग, तो मैंने वो लिया था यहाँ पे। इसका टैरिफ था करीब 2000 पर डे एंड आई स्टेड देयर फॉर 5 days। ये है बालकनी, ये बाहर का व्यू है, आई एम शोइंग इट टू यू फ्रॉम आउटसाइड। सो ये हॉस्टल की जो मेरे रूम की बालकनी है वो ऐसी थी यहाँ पे, एंड ये अच्छे मतलब पहाड़ थे और बहुत सारे हॉस्टल्स और होटल्स वहाँ से दिखते थे। एंड आई यूज़ टू इन्जॉय माई मॉर्निंग टी ओवर हियर इन द बालकनी। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सामने ये सारे पता है वहाँ पे होटल बहुत ज़्यादा थे, तो हर जगह होटल, ये सामने एक छोटा होटल, राइट साइड में भी होटल है, लेफ्ट साइड में भी होटल है, ये सब लोगों की गाड़ियाँ हैं। एंड इन फ्रॉम इनसाइड दिस इज़ हाउ इट लुक, एंड उसके बाद राइट साइड में वॉशरूम है, वॉशरूम इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पे यू कैन हैव द प्रोविजन ऑफ लाइक हॉट वाटर, कोल्ड वाटर 24 घंटे, तो मुझे ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी और सिर्फ 2000 टैरिफ में इट वॉज लाइक रियली नाइस। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर विद पीपल। बाय।